तो गाइस ये देखो यहाँ पर बंदे वेडिंग शूट करवाने आए हैं। ये फोटोग्राफर, ये यहाँ पर दुल्हा दुल्हन। वन फूड विच यू लाइक सो मच इन इंडिया, वन फूड। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जा रहे हैं एक दिल्ली की बहुत ही फेमस जगह जा रहे हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है। ओके और वो निजामुद्दीन के पास है। निजामुद्दीन के पास है। सारे क्लूज दे रहा हूँ मैं, क्लूज दे रहे हैं। गेस कर सकते हो तो कर लो। गाइज आप थंबनेल देख के ना बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाना कि आप कहाँ गए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऑटो वाले ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, अपनों से सावधान। हमने पर्ची कटवा ली है, इनकी पर्ची कटवा ली है। ये तो ये दिखाना होता है क्या? नहीं दिखाना होता क्या? ये हमारे दो स्मार्ट वाले भाई चला रहे ना दोनों लोग, क्या दिक्कत है? क्यों ये अबे साले। तो गाइस आज संडे का दिन है और क्राउड भी ज्यादा लग रहा है हमारे यहाँ पर। भाई वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, हर किसी को तो घूमने आना ही चाहिए। तो फाइनली हम अब एंट्री करने वाले हैं अरब सराय गेटवे, इसका नाम है। जो मुझे मेन खासियत जो लग रही है ना, लकड़ी वकड़ी है इनको जो रोकने के लिए जो ये लगाया ना, ये यहाँ पर कीलों का यूज नहीं होता होगा शायद उस टाइम पर। तो ये देखो ये जो आयरन की जो पीस ये लंबे लंबे, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो गाइस मैं दिखाना चाह रहा हूँ नीचे से पूरा ऊपर तक गेट कितना बड़ा है। क्या बोला तूने? सबसे पहला है अरब की सराय, जो कि इस साइड से सीधा हम जाएंगे तो अरब की सराय मिलेगा। ओके इधर लेफ्ट में जाएंगे तो हुमायूं का टॉम इधर है, और ईसा खान का मकबरा ये जो मैं आपको बता रहा था पीछे ईसा खान का मकबरा है। अच्छा ईसा खान का मकबरा है, और ये जो है अफसर वाला गुंबद एम मस्जिद, तो मस्जिद को इधर है। क्या लग रहा है हम किसी अरब देश में आ गए। दिख रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हिसाब से है गाइस। इसको नहीं बता दो, हम एजिप्शियन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये हमारे भाइयों ने जूते उतार दिए हैं बहुत फोर्स करने के बाद। गाइस ये देखो ये मस्जिद है, ये कभी यहाँ नमाज हुआ करती थी। ये जो विंडो है ना, ये विंडो वेंटिलेशन की है ना? सारी विंडो वेंटिलेशन के लिए होते हैं भाई, इसमें नई चीज़ क्या बता रहा हूँ मैं। अगर ऊपर देखें तो ये कितनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। देखो ये एक रास्ता है जो मस्जिद की तरफ के लिए ना, ये मस्जिद के लिए एक रास्ता बनाया गया है। तो ये टॉम अक्षय कुमार वाला पोस्ट देना एक बार। ये भाई इतना क्राउड आपको लाल किले में मिलेगा या कुतुब मीनार में मिलेगा, उतना यहाँ पर नहीं आता, लेकिन अब लोग आने लगे हैं। जैसे यहाँ संडे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। अब ये देखो, तो ये है हुमायूं का मकबरा जहाँ पर हम आज आए हैं। वाव ब्यूटीफुल। ये पता बिल्कुल कैसा लग रहा है, जब मैं आगरा ताजमहल गया था ना, तो सेम मेरे ख्याल से इसी को इंस्पायर होकर बनाया गया था। हाँ फर्स्ट ऐसी था, नीचे को वॉक करने के लिए, फिर उसको ऊपर था, और फिर ये मतलब यही स्ट्रक्चर इसमें चार पिलर था जो यहाँ पर है। हाँ कुछ कुछ ना ये मतलब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये ताजमहल के से सिमिलर। पहले काफी बन चुका था ताजमहल में, उन्होंने बहुत सारी कमियां दूर की अपनी, बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन करी, बट द पॉइंट वाज कि जो उनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था दैट वाज क्वाइट सिमिलर। हमने बहुत सारे पेड़ देखे गाइस, और हमें यहाँ पर एक वाई मिला, W तो नहीं मिला हमें, लेकिन वाई मिला। इसके नीचे हम खोदना शुरू करे तो, लेकिन थोड़ा सा वाई मिला है, और इस वाई के नीचे क्या हो सकता है अब्दुल भाई? W ढूंढ लिया था ना, उसके बाद Y आता है ना, Y हमें मिल चुका है। भाई इसने आज नए कपड़े पहन लिए, चश्मा भी देख सकते हैं, हरियाली कपड़े पहन के। ये गाइस मुगलों का बाथरूम है, पानी आता हुआ। ये नहाने की जगह थी भाई, स्विमिंग पूल है ये रानी का स्विमिंग पूल था छोटा सा। हाँ किसने बताया? ये मैं ऐसे बोला, मैंने। अरे कहना क्या चाहते हो? रानी का क्यों, राजा का नहीं हो सकता? नहीं रानी छोटे से में नहा लेती ना, 3-4 देखा नहीं मूवीज में, नहीं देखा ऐसे बाथ टब। और क्या बोल रहा हूँ मैं, नेचुरल वाइफ से होते ना, 3-4 के साथ वो बैठी होती थी। तू स्विमिंग पूल मत बोल ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। लेट के दिखा, बैठ के दिखा, बैठ के चढ़ के दिखा, फिर कोई मारेगा क्या तुझे। चलो लेट्स स्टडी गो। कम ऑन कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। ये बिलाल से फिर नहीं चलेगा अब्दुल। कभी तो कभी कुछ करना पड़ता है, दोस्त जान दे। अच्छी से पुल करता है, ऐसे पकड़ता हूं ना। ओ मेरा भाई चढ़ गया, चढ़ गया। हम जरा बिना हाथ लगाए चढ़ जाओ ऐसे। ओ स्पाइडरमैन मकड़ा मैन। बच गया भाई। मंजूर का हां नीचे तो छी 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 मंजूर का अंदर। तो गाइस कुछ दिखा आता हूं मैं गाइस आपको। गाइस हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्लैश ऑन कर सकते हैं क्या यहाँ पर? ओह माय गॉड भाई, ऐसा बनाना ये देखो दरअसल चारों तरफ से गेट है। और ये एरोप्लेन मुझे लिए बगैर ही निकल गया। और ये छपरी पोज देते हुए अब्दुल भाई। पहले देखेंगे हम लेफ्ट, फिर देखेंगे राइट, और अब आते हैं ऊपर। ये गेट है भाई, मैं आपको पागल बनाने भी आ गया हूँ। आपको दिखा सकता हूं। भाई तुम दोनों मुझे छोड़ के अकेले अकेले घूम रहे हो, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। भाई व्यू दिखाता रहेगा, हमें भी दिखाएगा। वो नहीं वहां पर हम ऐसे भीड़ इकट्ठी कुछ हां नहीं बात है यार। और कौन से कब्रें कि जो बनी है ना, ये जालियां जो है, ये बिल्कुल जालियां हर आप उधर देखोगे ये अलग है, और आप ये वाला देखोगे तो इसमें भी अलग है, पर आपको बाहर से इसमें से कुछ नहीं दिखेगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। यहाँ पर हुमायूं का टॉम एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर है। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा ना भाई। अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है। ये पागल आदमी है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस है बिलाल। नहीं भाई लाइट भी होगा तो ऐसा कुछ डिजाइन दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसमें। मैंने सुना है ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इस विंडोज के ऐसे बनाया गया है इसका कि अंदर से बाहर का दिखेगा, और बाहर से ज्यादा मतलब उतना विजिबल नहीं होगा जितना अंदर से होता है। तो गाइस बहुत लेट हो गया, तो हम थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे हैं, और मैं लेटे हुए जब तक मुंह पर बैठ जाना मेरे, इसके मुंह पर बैठ जाओ। इंस्ट्रक्शन दे क्या बढ़िया था गुरु। मन कर रहा है यहीं सो जाएं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चलो खेलते गाइस मैं बच गया हूँ, मैंने दोनों को पीटा है। हाँ बिलाल थोड़ा सा बच गया मुझसे, लेकिन हाँ ये दोनों पिट चुके हैं। देखो इनकी शक्लें देखो कितनी, देखो ये दोनों कैसे दिख रहे। जब तक भगाएंगे नहीं, जब तक जाएंगे नहीं। मैं उधर जा रहा हूँ, ये देखो मुझे भगाते हो, तुम मुझे दिखाना। भाई डंडा भी उसके पास। गाइस बिलाल अपनी जान पर रिस्क लेके डंडा खाने जा रहा है। डंडा मारो उसको, डंडा मारो उसको, डंडा जा सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। अब ये बिलाल बहुत ज़्यादा डेयरिंग करने वाला है कुछ, और ये इन वन वर्ड इनक्रेडिबल। वन फूड व्हिच यू लाइक सो मच इन इंडिया, वन फूड Gulab jamun. Oh, guys. So when did you taste that? Like we are living in Delhi. Living Delhi? Yes. How long? 3 years. 3 years? Yes. So you are living somewhere like Ambassi? Defense Colony. Okay, Defense Colony. But where are you from? From France. From France? From France, Paris. It's a European country? Yes, you are. Okay. Thank you. They are the resident of Delhi actually. Okay. All together. Thank you. डिस्क्राइब करा है कि ये इंडिया एक इनक्रेडिबल है और सर का फेवरेट खाना बताया था गुलाब जामुन। चलो गाइस और कहीं चलते हैं। बहुत ही घटिया इंटरव्यू था आपका। ऐसा इंटरव्यू आप आगे से ना ले। कितने बजे बंद हो जाते हैं? 6 बजे। 6 बजे तो नाइट का भी तो यहाँ से नाइट जो होता है वो तो आधा होता है। तो अब आप गाइस देख सकते हो ऊपर हुमायूं के मकबरे में ऊपर लाइट जल चुकी है और सारे लोग अब घर जा रहे हैं।